धन्यवाद असीम। असीम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि ये कैसा ऑक्शन हो जाएगा और ये प्रोसेस से क्या इम्प्लीकेशंस है। स्टिल बहुत सारे डिटेल्स अवेटेड है, चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरबी काबरा साहब, प्रेसिडेंट एचएसआईएल। वेलकम टू द शो सर। हमारे साथ है आरबी मिस्टर काबरा, प्रेसिडेंट एचएसआईएल। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। जी योर कंपनी हैज सक्सेसफुली रेज 250 करोड़ थ्रू क्यूआईपी। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट, और आप ये क्या प्रोसेस, ये जो फंड्स है किसके लिए यूज करेंगे आप गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमारे बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया था नवंबर में कि भाई हमको फंड रेज करना चाहिए, और फिर 17 दिसंबर को हमारे शेयर होल्डर की ईजीएम में अप्रूवल हो गया था कि हमको 250 करोड़ रुपया रेज करना है। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने मर्चेंट बैंकर जो है इसके लिए अपॉइंट किए, और अब हमने सक्सेसफुली 250 करोड़ रुपया रेज किया है। एंड वी हैव इश्यूड दी शेयर एट 400 रुपीज पर शेयर, एंड दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 2 रुपीज, इम्प्लाइंग देयर बाई दैट वी हैड अ प्रीमियम ऑफ 398 रुपीज पर शेयर। ओके, नाउ दिस होल अमाउंट विल बी यूज फॉर रीपेइंग द डेट्स ऑफ द कंपनी विच आर देयर ऑन द बुक्स। सो बेसिकली इट इज टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी। बिल्कुल मिस्टर काबरा, जिस तरह से आपने कहा कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कदम आपने उठाए हैं और कर्ज कम करेंगे आप इन फंड्स के जरिए, अभी फिलहाल कंपनी पर डेट कितना है, कितना कम कर लेंगे आप, और कितनी इक्विटी आप डायल्यूट कर रहे हैं, कितनी की आपने इक्विटी डायल्यूट? दिवाली 31 दिसंबर को कंपनी में टोटल 1000 करोड़ रुपए का डेट था, जिसमें 550 करोड़ रुपया लॉन्ग टर्म है और 450 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल तो रोल ओवर होता रहता है, सो 250 करोड़ रुपया जो पूरा हमने रेज किया है वो डेट रीपेमेंट में जाएगा। इनिशियली तो हम लोग वर्किंग कैपिटल ही लोन घटाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म डेट को प्रीपेमेंट करने के लिए हमको सब बैंकर्स की परमिशन लेनी होगी, और जैसे जैसे परमिशन मिलती जाएगी हम लॉन्ग टर्म डेट को रीपेमेंट करते रहेंगे, बट अल्टीमेटली टोटल डेट कंपनी का 250 करोड़ रुपये से घट जाएगा। तो आपने आपने बताया कि बहुत आपका जो ऑब्जेक्टिव है इसका डेट रिपेमेंट का होगा। मैं आपके आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगा। आपके 2 डिविजन्स है, वन इज फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, एंड यू आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्लास डिविजन। गोइंग फॉरवर्ड ये सेगमेंट से क्या रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस परस्पेक्टिव से? आपने सही कहा है कि हमारे 2 बिजनेस डिविजन है, बिल्डिंग प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग प्रोडक्ट। नाउ जो ग्लास बॉटल्स एंड पेट बॉटल्स आर पार्ट ऑफ द पैकेजिंग बिजनेस। ओके, एंड दी बिल्डिंग प्रोडक्ट लार्जली कंसिस्ट ऑफ सैनिटरी वेयर एंड फॉसेट्स, एंड देन वी हैव लॉट ऑफ अदर अलाइड प्रोडक्ट्स विच गो इन टू दी बाथरूम। जी, तो अल्टीमेटली इस साल हमारा जो कंपनी का ग्रोथ वी आर प्रोजेक्टिंग इज अराउंड एनीवेयर बिटवीन 11-12% फॉर दिस मार्च। दोनों बिजनेस ठीक है। लास्ट ईयर ग्लास बिजनेस बहुत खराब था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, बट दिस ईयर विद दी लॉट ऑफ इंटरनल थिंग्स विच वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सब्स्टिट्यूशन, वो सब करने से हमारा ग्लास बिजनेस टर्न अराउंड परफेक्टली हो गया है। एंड दैट बिजनेस इज नाउ बैक इन ब्लैक, विच पीपल मस्ट हैव सीन फ्रॉम द Q3 रिजल्ट्स, एंड द बिजनेस इज डूइंग गुड, रीजनेबली वेल नाउ। जी मिस्टर काबरा, आपसे सवाल होगा, आपसे कोई कैपेक्स प्लान भी है कंपनी के? प्रोबेबली जो एग्जिस्टिंग प्लान है उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, सैनिटरी प्लांट्स की, या फिर कुछ इस तरह के प्लान है कंपनी के? या मैम, हमारे जो अभी 2 सैनिटरीवेयर प्लांट है, एक बहादुरगढ़ में है हरियाणा में, और एक बीबी नगर में है तेलंगाना में है। बहादुरगढ़ प्लांट का करंट कैपेसिटी 1.8 मिलियन पीसेस पर एनम है, और बीबी नगर का 2 मिलियन पीसेस पर एनम है। दोनों ही प्लांट में कैपेसिटी एक्सपेंशन काम चल रहा है। बहादुरगढ़ में हम लोग 1 लाख पीस की कैपेसिटी एड कर रहे हैं, और बीबी नगर में 3 लाख पीस की कैपेसिटी एड कर रहे हैं, और ये सारी कैपेसिटी जो जोड़ी जा रही है वो हाई एंड और बिगर पीसेस के लिए हो रही है, बिकॉज उनका जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट में उनका रेशियो बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर कंपनी करीब 50 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी, और ये नेक्स्ट 12 महीने में ये काम हो जाएगा। बट उसके लिए हमको बोरो करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारा कैश जनरेशन है विच इज गुड एनफ, एंड वंस दिस एक्सपेंशन इज ओवर, हम लोग ग्रीन फील्ड प्लांट एक सैनिटरीवेयर का प्लान कर रहे हैं इन गुजरात। इसके लिए हमने झगड़िया इंडस्ट्रियल एरिया में ऑलरेडी जमीन करीब 70 एकड़ खरीद लिया है। उससे काम शुरू होगा इन नेक्स्ट 18 मंथ्स, और उसके बाद उसको 2-2.5 साल लगेंगे पूरा होने में। एंड उसपे हम 150 करोड़ रुपया 2.5 साल में खर्च होगा जी, और वो 1.2 मिलियन पीस उसका कैपेसिटी होगा, पर वो 150 करोड़ रुपया भी इंटरनल जनरेशन से हो जाएगा जनरेट। तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि कंपनी को फिर बोरो करने का जरूरत पड़ेगी।
शुक्रिया मिस्टर काबरा समय देने के लिए जी बिजनेस को बातचीत करने के लिए। तो आरबी काबरा को आप सुन रहे थे, प्रेसिडेंट एचएसआईएल के। बहुत सारी बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि डेट रिड्यूस करेंगे, जो क्यूआईपी के जरिए उन्होंने फंड रेज किए, और जो डेट होगा इस रिडक्शन के बाद करीब 600 करोड़ के आसपास आ जाएगा। 11 से 12% की रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एन एनुअल बेसिस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि सैनिटरी प्लांट्स में ऑलरेडी एक्सपेंशन चल रहा है, साल भर लगेगा एक्सपेंशन पूरा होने में, 50 करोड़ के आसपास का खर्च करेंगे, जो कि इंटरनल एक्रूवल से वो रेस करेंगे, और उसके बाद एक ग्रीन फील्ड प्लांट लगाने की उनकी योजना है इन गुजरात। हालांकि शेयर करीब 3% नीचे भी ट्रेड कर रहा है 412 के लेवल्स पर। रुक रहे यहां पर थोड़ी सी देर के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार।